हर का हमारा केस है अक्टूबर का, और 2003 में हमको सजा पड़ी दूसरे महीने में 24 तारीख को फरवरी में। तो वहाँ से हम जेल में काट रहे जब से, अब छूट के आए, केस भरी हुआ हमारा। नहीं तो इस गांव में आपके साथ क्या हुआ था कि जो अभी केस अभी झूठा साबित हुआ लेकिन आपको उसके बावजूद भी 20 साल सजा काटनी पड़ी? गांव की एक रंजिश वाली मतलब गाय वाय की वो थी, उसमें औरत कट रहे थे उस टाइम की वो थी, और हरिजन एक्ट का हिसाब से पैसा का मिलने का हिसाब था, इसलिए उनने केस बनवा दिया और इसलिए 376 बनवा दी। अब भगवान की कृपा रही माता रानी की कि उनने हमें साबित झूठा करा, हो सकता था वहीं मर जाते, लेकिन जो जेल आके झूठ साबित होना था और आप लोगों को सबको हमें मिलना था, तो हम वापसी माता रानी में भेजा हमें। नहीं तो आपकी शुरुआत सबसे पहले कौन सी जेल में हुई, कहाँ तक? डिस्ट्रिक्ट से हम डिस्ट्रिक्ट रहे, डिस्ट्रिक्ट में से हम आगरा चले गए सेंट्रल जेल। आप ललितपुर जेल में कितनी वर्ष रहे? सजा के बाद हम अप्रैल में चले गए, 13 अप्रैल को गार्ड लग गई थी हमारी 2003 में। अच्छा। हाँ मतलब करीब करीब डेढ़ महीना के करीब रहे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, 1.5-2 महीने के करीब। वहाँ आगरा में आपकी किससे मुलाकात हुई थी जिस फिर आपकी पैरवी की, फिर आपको कुछ उम्मीद जागी कि अब हमारा कुछ हो सकता है? कोई पैरवी नहीं हमारे, तो जो वकील थे हमारे पिताजी ने जो कर रखे थे जमीन वमीन बेच के, वो सब वकील पैसा खा गए, कोई पैरवी नहीं। पिताजी खत्म हो गए, फिर माँ खत्म हो गई, अटैक पड़ गया, फिर दोनों भाई खत्म हो गए। जब ये खत्म होते तो आपको जानकारी होती? जानकारी कोई जानकारी नहीं भाई, कोई वहाँ ऐसे कोई मुलाकात नहीं। हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी, गरीबी थी, जो हम नहीं मुलाकात करी उन लोगों ने, और हम तो वही अपना। आपको कब मालूम पड़ा कि हमारी मतलब 2017 में मालूम चला? 2017 नहीं नहीं, अभी कम मालूम पड़ा था कि हमारी मतलब आप निर्दोष साबित हो चुके हैं और हमें अब जेल से बरी होना है। वकील जो जेल प्रशासन ने मतलब हमारा सहयोग दिया और वकील करवाया वहाँ से विधि सेवा समिति से, तो उनने श्वेता राणा जो मिली उनका बड़ा धन्यवाद, जो उनने हमारा केस लड़ा और हमारा केस बरी करवा दिया। झूठ साबित जो भी सच्चाई थी वो सामने आ गई। तब आपको जानकारी हुई कि हम निर्दोष पाए गए, कोर्ट से आदेश आया, फिर आपको कैसा महसूस हुआ? अरे हमें बहुत महसूस अच्छा हुआ, खुशी हुई कि हम जो मतलब जैसे थे मतलब बेगुनाह थे तो बेगुनाह साबित हुए, और हम समाज को जाके ये दिखाएंगे कि हम मतलब बेगुनाह थे, और अब हम उस समाज में वो तो कोर्ट ने बोल दिया कि आप बेगुनाह हो। हाँ तो बेगुनाह ही साबित हुई, तो हम बेगुनाह समाज में भी हाथ जोड़ के हम वहाँ उसमें जाएंगे जहाँ से हम भाई हैं और बड़े भाई, उसी समाज में हम उसको समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब बेगुनाह हैं, हम झूठे फंसे थे। आप रात को गाँव अपने गाँव आए? हाँ रात में 2:30 बजे के करीब, मतलब हम 2 बजे 2:30 बजे के करीब। जब आप गांव पर अपनी इसमें जमीन पर पांव रखा तो फिर आपको कैसा लग रहा था? अरे पुरानी यादें आई होंगी। बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, इससे अच्छी और खुशी हमें कहाँ हो सकती है कि हम घर पे आए। लेकिन घर पे आने के बाद भी जूझ हमारा घर तो खंडर पड़ा है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है हमारा तो, कुछ मकान जैसा छोड़ गए थे। पिताजी खत्म हो गए, आपके भाई खत्म हो गए, तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सब परिवार को इतना कुशल छोड़ के गए थे हम, हमारे पास इंजन था, बैल थे, 3 हर चलते थे, सब कुछ था, 10 भैंसें थी, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अब सब घर का खंडर पड़ा है, कुछ नहीं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं अब आप? प्रशासन से तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब जो कुछ भी हमारा खोया है वो तो हम पा नहीं सकते, जो हमारे भाई माँ बाप ख़त्म हो गए, लेकिन अगर कुछ अगर प्रशासन ने हमें कुछ सहयोग दिया और इस हाथ मतलब, तो हम उनका बड़ा ताव दिल से सहयोग मतलब वो करेंगे कि वो हमें कुछ सहयोग दें कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जो हमने खोया हुआ है वो हमें थोड़ा सा भी मतलब उनकी वो रहनी चाहिए हमारे ऊपर सरकार की, कि हमें दे कुछ तो हम अपना घर पर बनवा लें, अपना जो कुछ भी हमारी ज़मीन जगह बिक गई किराए पे, हमारे ये भतीजे रह रहे हैं। आपको क्या न्यायपालिका पर कोर्ट पर भरोसा उम्मीद बरकरार थी कि हमें हमारा केस सुना जाएगा, हम बेगुनाह हैं तो हम अंत तक हम निर्दोष साबित हो जाएंगे? कोर्ट पे हमें पूरी उम्मीद थी, इसलिए हम अपनी साहस शक्ति को अपनी ऊर्जा को अपनी बनाए रखे रहे कि हमने साहस नहीं खोया वहाँ, और इसलिए हमें भरोसा था कि जो हमने नहीं करा है वो हमारा झूठा साबित होगा। आज नहीं कभी होगा, 20 साल में होगा या 21 साल में होगा, हम तो जो ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे वो हुआ अभी बस। आपसे एक क्वेश्चन।